आज मैं आप लोगों को ये पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ, चटपट पकौड़े। चटपट तैयार होंगे ये। इसमें मैं डालूंगी एक प्याला ये बेसन, ये एक प्याज इस तरह से कटा हुआ, धनिया डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ, तकरीबन आधी गड्डी से ज़्यादा ही है, आधी गड्डी। थोड़ा सा मैं इसमें से रख लूँगी रायते के लिए। यह मैं पुदीना डालूंगी, दो चम्मच इसमें पुदीना डालूंगी। मीठा सोडा जाएगा, एक चुटकी इसमें अजवाइन जाएगी, दो हरी मिर्चें कटी हुई बारीक कटी हुई, आधा चम्मच ये हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका, मेरे पास था अनारदाना, ये मैंने इस तरह से भिगो के इसको रख दिया था। इसका मैं खाली पानी डालूंगी, इस तरह से पानी छान के डालूंगी, इस तरह से अनारदाने के बीज फेंक दूंगी, पानी डालूंगी इस तरह से। करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पानी डालेंगे इसमें और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। हल्का-हल्का सा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से हर चीज इसके अंदर अच्छी तरह से, तो अनारदाने का पानी डालना, बीज फेंक देना इस तरह से। ये हमारे तैयार हो गया मसाला, तरह से पकौड़े हम डालते जाएंगे। ये चटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम टाइम में ये बनती है। प्यारा सा कलर निकल रहा है।
रमजानों में अक्सर मैं यही बनाती हूँ, दूसरों पे थोड़ा टाइम लग जाता है। पकौड़े तैयार हो रहे, इनको निकाल देते हैं। बहुत प्यारा सा कलर इनका तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। ये देखते हैं इस तरह निकाल देंगे इनको। गोल्डन कलर आ गया।